تفضل. هلا هلا شوي شوي. पहले चेक पॉइंट पे अभी हमें रोका था, पासपोर्ट चेक किया और थोड़ी देर के लिए फोन लेकर वापस आए। बोले क्यों जा रहे हो घूमने सीरिया। अगला चेक पॉइंट आ गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा दिन है आज। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं ऐसी ऐसी जगह जाना पसंद करता हूँ जिधर और लोग और ट्रैवलर्स नहीं जाते, ये सोचकर कि भाई उनकी जान को खतरा होगा, वो वहाँ पर सेफ नहीं होंगे, क्या पता किडनैप हो जाए, कोई अटैक हो जाए, मर जाए, वहाँ के लोग कैसे होंगे। पर मैं जाके खुद उधर की ग्राउंड रियलिटी पता करने की कोशिश करता हूँ। जैसा आपने देखा, मैं सोमालिया में गया था, हरगीज़ा में, मोगादिशु में, उससे पहले ओमो वैली में और काफ़ी ही ऐसी जगहों में। आज मैं जाने लग रहा हूँ सीरिया। जी हाँ, अभी मैं हूँ जॉर्डन में, अम्मान द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ दमिश्क सीरिया के लिए। दमिश्क विच इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। यहाँ से लगभग 3 घंटे का रास्ता है। सीरिया में जो सिचुएशन है शायद आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी नहीं है। इट्स अ वॉर टोन कंट्री। सीरिया की पॉपुलेशन फिलहाल शायद लगभग 2.25 करोड़ है। सीरिया में 2011 से सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये वो डाटा है जो हमें पता है, और जो रिपोर्टेड नहीं है वो डाटा पता नहीं क्या है। 1 लाख लोगों की मौत टॉर्चर करके हुई है और लगभग 1 लाख लोग अभी भी कैद है। 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी किसी न किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। वहां पर जाकर हम देखेंगे एक्चुअली क्या हालात है, कैसे वहाँ के लोग हैं, एंड मी एज अ टूरिस्ट मुझे वो कंट्री कैसी लगती है। इस वीडियो में मैं अकेला नहीं होने वाला हूँ। मेरे साथ जाने वाले हैं मेरे काफ़ी करीबी दोस्त मनोज भैया, जो कि दिल्ली मेरे घर के पास में ही रहते हैं। पीछे हमारी कार है और ये है मनोज भैया। ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि दमिश्क घुसने से पहले जो बॉर्डर है सीरिया की, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। कुछ नहीं पता, पूरा दिन भी वहाँ लग सकता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, थोड़ा सा थ्रिल्ड हूँ। लेट्स गो। इस रोड का नाम था इस्तिकलाल स्ट्रीट। जैसा टर्की में भी बहुत रोड्स का नाम इस्तिकलाल है। इस्तिकलाल का एक्चुअली मतलब होता है इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंस। तो इस्तिकलाल स्ट्रीट मतलब इंडिपेंडेंट स्ट्रीट। तो ये आपको अरब कंट्रीज में ऐसी काफी रोड्स दिख जाएंगे इस नाम से। बहुत पहले से मैं सीरिया जाना चाहता था और मैंने इतनी रिसर्च करी थी और इतने एफर्ट्स डाले थे ना इधर पहुंचने तक के लिए, मैं बता नहीं सकता। मैं 2019 में लगा था सीरिया जाने के लिए। सीरिया के अलग अलग रूल्स चेंज हुए एंटर करने के। जब मैं 2019 में सबसे पहले जाना चाहता था, तो तब ये रूल था कि अगर आप इंडियन हैं तो आप अकेले वहाँ पे जा ही नहीं सकते। यू हैव टू बी इन अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 8 पीपल। पहली बात तो आपको ग्रुप इकट्ठा करना था एटलीस्ट 8 लोगों का, जो वहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड है, जो कि कोई होने नहीं वाला। उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना था, सिक्योरिटी क्लियरेंस अप्लाई करना था, वो आपको मिलेगा। उसके बाद ही आपको बॉर्डर पे वीज़ा मिलेगा। सीरिया का जो वीज़ा है वो बॉर्डर पे इशू होता है, टूरिस्ट वीज़ा, और उसके लिए आपको चाहिए होता है सिक्योरिटी क्लियरेंस, उनकी गवर्नमेंट से, उनकी मिनिस्ट्री से, टूरिज्म मिनिस्ट्री से। वो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना बहुत लंबा प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं मिल जाता आपको, उसमें हफ्तों महीनों लग जाते हैं। अगर आपके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस है तो ही आपको वीज़ा मिल सकता है। अभी तक मेरे पास सीरिया का वीज़ा नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस है, और उसके बेसिस पे बॉर्डर पे मुझे सीरिया का वीज़ा मिलेगा। तो अब देखते हैं वीज़ा मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो भी होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टूर गाइड होगा सीरिया में, कोई भी ऐसी टूर एजेंसी होगी जो मेरे को नहीं जानती होगी। मैंने सबसे कांटेक्ट किया, वहाँ की मिनिस्ट्री से, वहाँ के टूर गाइड से, इंडिया में उनकी एम्बेसी से, वहाँ के लोकल लोग से, वहाँ के मिनिस्टर से, पता नहीं क्या क्या किया मैंने ये ट्रिप को पॉसिबल बनाने के लिए। फाइनली मैं अब जाने लग रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा वो थ्रिल वाला डर भी लग रहा है कि भी पता नहीं कैसा होगा। यहाँ से 200 किलोमीटर है अम्मान से, और 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप्स पे। ये जो भाई हमारे जो गाड़ी चला रही है, सीरिया से ही आया गाड़ी लेके मुझे पिकअप करने के लिए। ये भी मैप से ही देखने लग रहा है रास्ता। मनोज भी आगे बैठे, मैं पीछे बैठा हूँ। और 1 घंटे के बाद यहाँ से बॉर्डर आ जाएगी सीरिया की, और फिर बॉर्डर के बाद 2 घंटे का रास्ता हो रहा है। तो जैसा आपने देखा, सीरिया की बॉर्डर यहाँ से बस अब 5-10 मिनट दूर रह गई है। जबर जो है वो जॉर्डन का लास्ट टाउन है बॉर्डर से पहले। सीरिया की जो पहली सिटी है उसका नाम दारा है, DARA। रास्ते में जगह जगह पुलिस है जो मैं रोक रही है, ऐसी चेक पॉइंट्स है नॉर्मल। ये यहाँ पे वो ढाबा सा है एक तरह से रोड साइड, जिसमें हमारे ड्राइवर अंदर शायद वॉशरूम गया, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान है। बाहर इधर सारे ट्रक्स जा रहे हैं मेरे ख्याल से ना, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होंगे। सीरिया में जा रहा होगा इधर से सामान कुछ, या फिर उधर से इधर आ रहा होगा उस तरफ से। खैर जा ही रहा होगा मोस्टली, आ तो क्या रहा होगा। बॉर्डर से कुछ ही देर पहले हम यहाँ पे रुके हैं। जो हमारा ड्राइवर था वो भाई सिगरेट पीना चाहता था और बोल रहा था आप लोग टॉयलेट यूज़ कर लो क्योंकि पता नहीं बॉर्डर पे कितनी देर लग जाएगी। बस बॉर्डर यहाँ से लगभग 5 मिनट दूर होगी मेरे ख्याल से। बहुत सारे बोर्ड्स आगे और गूगल मैप से भी दिखा रहे हैं बस 6-7 किलोमीटर का सफर और है। सीरिया एंटर करने के एक्चुअली काफ़ी तरीके आप शायद जानते होंगे। सीरिया काफ़ी कंट्री से लैंडलॉक्ड है, नीचे इसके जॉर्डन है, उस तरफ इसराइल है, नॉर्थ में और ईस्ट में इराक है, उधर टर्की एंड देन लेबनान थोड़ा वेस्ट में। लेकिन आप इन सारी जगहों से एंटर नहीं कर सकते। बेसिकली 3 या 4 तरीके एंटर करने के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप लेबनान से सीरिया एंटर करो, जो कि 2 घंटे का रास्ता है, ड्राइव है, बीरूट टू दमिश्कस। दूसरा तरीका ये है जो हम कर रहे हैं, आप जॉर्डन से सीरिया एंटर करो बाय रोड, अमान टू दमिश्कस, जिसमें जाबर बॉर्डर क्रॉसिंग आपको इससे क्रॉस करना होगा जो कि लास्ट टाउन है इधर जॉर्डन का। तीसरा तरीका है कि जो लटाकिया में इनका पोर्ट है, सी पोर्ट है सीरिया का टर्की के पास, आप उस सी पोर्ट से एंटर करो लटाकिया से। तो हाँ लास्ट ऑप्शन ये है कि आप दमिश्कस एयरपोर्ट से एंटर करो, लेकिन वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि दमिश्कस जो एयरपोर्ट है सीरिया में वो ऑपरेशनल नहीं रहता हर वक्त, कभी वो चल रहा होता है कभी वो ऑपरेशनल नहीं होता और बहुत ही गिनी चुनी फ्लाइट्स वहाँ पे आती है, कुछ ना कुछ अनहोनी उस एयरपोर्ट पे होती रहती है, इसलिए वो एयरपोर्ट आधा टाइम बंद रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बाय रोड आओ, या तो लेबनान से या फिर जॉर्डन से, ये दोनों ऑप्शन बेस्ट है। और इनमें भी लेबनान वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा है क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ 2 घंटे, जॉर्डन वाला रास्ता 3 घंटे का। सलाम वालेकुम। हेलो वल्ला। नमस्ते। जॉर्डन सीरिया। जॉर्डन। सीरिया गुड। सीरिया गुड। गुड। जॉर्डन आल्सो गुड। شوي شوي ليش شوي شكرا बड़े अच्छे लोग हैं यार जॉर्डन के। गरम गरम ब्रेड मेरे को दिया, हालांकि मेरा इतना मन नहीं था खाने का पर इतने प्यार से दे रहे थे तो खा लेने चाहिए। बहुत पास है सीरियन बॉर्डर के। आई एम वेरी थ्रिल्ड, वेरी एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस हूँ थोड़ा सा, पर थ्रिल्ड उससे कई गुना ज़्यादा हूँ, एक्साइटेड उससे कई गुना ज़्यादा हूँ। शक्कर शुआय 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 का मतलब होता है थोड़ा अरेबिक में। ये भाई इधर से खूब सारा दूध वगैरह लिया, वो ट्रिया भाई ने दूध लिया यहाँ से और गाड़ी में रख लिया। मेरे ख्याल से शायद सीरिया में महंगा होगा, ये सामान यहाँ पे सस्ता होगा, तभी इतने दूध के पैकेट ले रखे थे। शुआय अरे ज़्यादा डाल दी, चलो कोई नहीं। गुड शुक्रान। आई एम गुड, हाउ आर यू? अहलन, हाउ आर यू? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। जॉर्डन और सीरिया, जॉर्डन सीरिया यूक्रेनिया, यूक्रेनियन दा दा как дела? Нормально, хорошо, спасибо. Хорошо, хорошо. गुड मैन हबीबी। तो देखा है बॉर्डर पे लोग बहुत अच्छे हैं, हर जगह छोटी शहरों में छोटी जगह पे लोग अच्छे मिल जाते हैं आपको। हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी ली थी पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ना अंदर बुलाया और नाम और पासपोर्ट नंबर लिखवाया एक पेज पे, पता नहीं क्या रीज़न था। जो थोड़ी बहुत भी नर्वसनेस थी ना वो यहाँ के लोगों ने निकाल दी, इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ही फ्रेंडली माहौल बना दिया एकदम से। पहुँचने वाले बस 5 मिनट दूर है, कॉफ़ी ख़त्म करती अगला स्टॉप बॉर्डर पर ही है। वैक्सीनेशन PCR vaccine مطعومين يا Benwal, Benwal, yeah. Benwal, yeah. Vaccine certificate. Oh. Vaccine certificate. भाई ये जॉर्डेनियन बॉर्डर है, यहाँ पर हमारे पासपोर्ट ले गए हैं, पीछे टैंक भी खड़ा हुआ है एक। परमवीर जी कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जवान लड़का है, इसे मज़ा आएगा, अपनी फटने लग गई है। Speak Arabic? No Arabic, Hindi. Where are you to go to Syria? Syria. Why? Travel. What? To travel. Tour. Damascus, Aleppo, Homs. Tour. Just enough? Yeah. Enough. Ram. पहले चेक पॉइंट पे अभी हमें रोका था, पासपोर्ट चेक किया और वैक्सीन PCR मांगा तो हमने वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा दिया फ़ोन में। थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेकर वापस आए और बोले क्यों जा रहे हो घूमने सीरिया में? बोले टूर करने घूमने। तो बोले सिर्फ वही इरादा है ना? तो बोले हाँ। तो बोले राम। अगला चेक पॉइंट आ गया। अभी तक 4 से 5 जगह हमें रोक चुके हैं और सामान वामान की चेकिंग हुई है। एक बारी फोन में रिकॉर्डिंग करते दिख गए थे तो फोन भी चेक होने वाला था, पर मैंने जल्दी से डिलीट कर दिया। सीरिया में एंट्री हुई तो इन्होंने पासपोर्ट वगैरह चेक करे और जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था वो हमारे ड्राइवर के पास ही था, उसने दिखाया इन्हें। उसके बाद कुछ नहीं, इन्होंने एक पेपर सा दिया इशू करके, जॉर्डन वाली साइड पे गया था, वो हमने सीरिया वाली में दिया। निकलते टाइम जॉर्डन वालों ने पासपोर्ट पे स्टैम्प मारी। अभी इधर अराइवल की हमने स्टैम्प मरवाई है सीरिया वाली। ये जॉर्डन की एग्जिट स्टैम्प है और ये सीरिया की एंट्री स्टैम्प है। ये इमिग्रेशन पे यहाँ पे कमर्शियल बैंक ऑफ सीरिया का एक काउंटर था जिधर हमें $58 देने थे पर पर्सन, और ये सीरियन पाउंड में 72,500। ये हमें एंट्री की फीस देनी थी यहाँ पे, जो हमारे लगे वीज़ा फीस कह लो जिसे, या फिर एंट्री फीस। ये कागज हमें साथ में दिया। एक जो डॉक्यूमेंट था जो हमें जॉर्डन से मिला था एग्जिट के टाइम, वो इन्होंने सबमिट कर दिया। अभी दोबारा शायद चेक पॉइंट आएगा, बैग वगैरह दोबारा चेक होंगे। अराइवल के बाहर से फाइनली चल पड़े और कई देर तक यहाँ वेट करी, पता नहीं किस वजह से कर रहे थे वेट। स्टैम्प हमारी लग चुकी, वीज़ा फीस या फिर एंट्री फीस हम दे चुके थे। $25 पीछे लगे थे यहाँ पे, फिर अभी $58 लगे थे। अभी एक और फाइनल चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट पे ये देखो बिल्डिंग सी कैसे टूटी पड़ी है, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ नुकसान हुआ है। और ये चेक पॉइंट है सीरिया बॉर्डर पर। अभी तक 8 चेक पॉइंट्स हम पार कर चुके हैं और शायद 2 चेक पॉइंट्स और हैं। हर चेक पॉइंट पे आके वो देखते हैं हमें, अंदर गाड़ी में देखते हैं, फोन्स देखते हैं, हमारे बैग्स देखते हैं। किसी ना किसी तरह अभी तक नहीं फंसे। 2 चेक पॉइंट सीरिया के अंदर तो मैं एंटर कर गया। ये वो दारा सिटी है जो मैं कह रहा था, ये पूरा सीरिया है। तो एक दुकान से सिम कार्ड इंस्टॉल करवाया क्योंकि उधर तो खोल के डालना अलाउड नहीं था और यहाँ पे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो